जोधपुर जिले के खेड़ापा थाना इलाके में एक लड़की के साथ हुई गैंग रेप की घटना के 40 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में लड़की के परिजन पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पीड़िता के परिवार ने आज एक बार फिर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और IG जोधपुर रेंज से मुलाकात कर मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही पुलिस अधिकारियों से परिवार को सुरक्षा देने की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 8 जनवरी को उनकी लड़की के साथ बेहोशी की हालत में लोगों ने गैंग रेप किया, जिसको लेकर उन्होंने खेड़ापा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने मामले में एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सर, ये 8 तारीख को जो गैंग रेप हुआ था और खेड़ापा क्षेत्र की घटना है अभी, और ये मेरी बच्ची के साथ घटना हुई थी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम 2 बार SPO ऑफिस में पेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक मुलजिम है जो गिरफ्तार हुआ है, मुख्य मुलजिम जो है कानाराम, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। और एक इसमें महिला भी शरीक थी जो संलग्न थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। और 3-4 वो जो ये मुलजिम थे वो सराम घूम रहे हैं। पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने नहीं हुई। आज आप किस लिए आए हैं और कहाँ पर आए हैं? यहाँ पर SPO ऑफिस में हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 27 जनवरी को हम आए थे। SP साहब ने बोला कि 20 दिन तक ये पूरी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसके बाद हम IG ऑफिस में IG साहब के सामने पेश होंगे और उनसे भी हम हमारी वो समस्या बताएंगे। फिर हम संगीता जी बनियाल के पास में जाएंगे। संगीता जी के पास हम 27 जनवरी को भी गए थे, लेकिन अभी तक उनकी भी तरफ से कोई भी इनको इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज हम महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक इस मामले में एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने और उनके परिजनों ने ग्रामीण SP और IG जोधपुर रेंज से आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी खुले में घूम रहे हैं और जिससे उन्हें भी जान का खतरा बना हुआ है। बहरहाल पुलिस में शिकायत देने के बाद आज तक मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में 20 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। पंजाब के सी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।